अभी स्मृति का नीट क्वालिफाइड हुआ है तो आगे छोटी है और भी ज्यादा मेहनत करेगी, जैसे फैमिली में ही कंपटीशन चला हुआ हमारे तो, मतलब आपस में, मतलब आपने रिकॉर्ड बनाया तो इसने तोड़ना, इन्हें बनाया इन्हें तोड़ना। अभी जैसे मेरे 92 थे 10th में, तो हमारा ये था कौन 92 से अब हो जाएगा। वो सर अगर ऐसे सोचे तो बड़ा, मतलब गरीब घर का बच्चा, फिर मतलब कोई भी छोटा बच्चा है वो ऐसे सोच ही नहीं सकेगा, अगर फ्यूचर की सोचे, पैसे नहीं है ये नहीं है। तो सिर्फ मैंने सर ये फर्स्ट स्टेप यही था कि एक बार शुरू करो, आगे देखे जाए क्या होगा, मतलब जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल जींद जिला के जनौदा गाँव में पहुंचे हैं और जनौदा गाँव में आपने दिखाई दिया एक ऐसा परिवार है जो बिल्कुल गरीब परिवार है, 10 बेटियाँ लेकिन 10 की 10 बेटियाँ ही रहे हैं जो आज इस घर में शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए सब लोग पहुंच रहे हैं। तो ये मकान आपने दिखा दें, ये मकान है, इस मकान में पड़ी बड़ी हैं और गरीब परिवार है बिल्कुल, माता पिता जो मजदूरी करे, उसके बाद भी 10 लड़कियां हैं, 10 की 10 लड़कियों को पढ़ाई का खर्च उठाते हो। एक बार आपने अंदर दिखाना चाहूँगा, एक बार अंदर आ जाओ। तो ये मकान है, 10 बेटियां हैं, 10 की 10 बेटियों को उस माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है। आज का टाइम में देखा जाए तो 2 बच्चों की पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो देखो ये मकान है इनका, ये रसोई है, ये देखो ये रसोई है, ये मकान है, इस मकान में रहकर 10 की 10 बेटियों को माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके ने पढ़ाया है। तो चर्चाएं हो रही है समाज में, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो निराश हो जाए हैं कि मैं गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाया, लेकिन उनके लिए एक मोटिवेशन है, एक अच्छा उदाहरण भी है। और उनमें से एक लड़की का अभी जो नीट का रिजल्ट आया था तो नीट क्वालिफाई किया है। अगर नीट की बात करें तो बड़े बड़े सेंटरों में कोचिंग लेनी पड़ा जो फीस नहीं पुगदी, लेकिन इस लड़की ने इतनी गरीबी में रहकर ना, जिसके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई किया। जो चर्चा हो रही है चारों ओर, जो नीट का पेपर किया है, तो ये पूरा परिवार है, 10 की 10 बहनें ही हमारे साथ हैं। तो इनसे बातचीत करांगे, ये परिवार आपने दिखा दें, ये वो बहनें हैं जिनका आज चर्चाएँ हो रही है कि इतनी गरीबी में रहकर भी इतनी मेहनत, अगर मेहनत करना चाहो तो बंदा कुछ भी कर सका। तो ये वो बहनें हैं। बेबी क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित। तो कहाँ तैयारी की थी आपने नीट की? सर मैंने इस आर कोचिंग ली थी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी विज्ञान दर सेंटर से। तो आपने प्लस टू तक की पढ़ाई कहाँ पे की है? मैंने प्लस, मतलब मैंने 12th पास आउट नवोदय विद्यालय जींद से किया। जींद से की थी, उससे पहले गांव में पढ़ा कर दे। फर्स्ट से 5th क्लास तक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जो। तो नवोदय में आपने, आपका लक्ष्य क्या था शुरू में जब आप नवोदय में गए थे? स्टार्टिंग में तो यही था कि मतलब यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, बिगड़ना नहीं है दूसरे बच्चों की तरह। और फिर वैसे ही किसी से मतलब मोटिवेशन मिला, सिस्टर वगैरह से इन्होंने गाइड किया, फिर ये मतलब मेडिकल साइड के बारे में पता चला और फिर डॉक्टर बनने की सोची। तो इससे पहले भी आपने नीट की परीक्षा दी थी? नहीं सर, वो तो वैसे ही दे दी थी, मतलब तैयारी वगैरह नहीं की थी। हाँ, मतलब जस्ट ट्राई की, मतलब उस टाइम तो मैं प्लस टू में अपीयरिंग थी वहीं पे स्कूल में। प्लस टू करते करते आपने दिया था एग्जाम? वो वैसे ही दिया था, मतलब तैयारी करके नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम तो अभी पहली बार ही दिया था। तो गुड़िया आपने देखी होगा जो नीट की तैयारी करें बच्चे, मतलब बड़े बड़े संस्थान में जावा और बहुत महंगी फीस भी हुआ है, तो आपने किस तरह सोचा कि इस तरह से कैसे हम एडजस्ट कर पाऊंगे अपने परिवार को देख करने कि इतना फीस का भी अपना जुगाड़ नहीं हो पाऊंगा? वो सर अगर ऐसे सोचे तो बड़ा, मतलब गरीब घर का बच्चा, फिर मतलब कोई भी छोटा बच्चा है वो ऐसे सोच ही नहीं सकेगा, अगर फ्यूचर की सोचे, पैसे नहीं है ये नहीं है। तो सिर्फ मैंने सर ये फर्स्ट स्टेप यही था कि एक बार शुरू करो, आगे देखे जाए क्या होगा, मतलब जो होगा देखा जाएगा। हाँ। तो पहली बार में क्वालिफाई हो गया। हाँ। तो कितनी खुशी हुई जब आपने पहली बार में पेपर क्लियर होया आपका? खुशी तो बहुत हुई, घर वाले भी बहुत खुश हुए, तो इससे बड़ी खुशी क्या कि घर वाले राजी है। क्योंकि कुछ बच्चे हुए हैं जो निराश हो जाए कि मेरा जो घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देखा जाओ तो एक अगर लगन हो बच्चा में वो कुछ भी कर सके। अगर बच्चे में लगन है तो हेल्प करने वाले बहुत मिलेंगे, ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे घर में कमी क्या है, इस चीज़ को आप स्ट्रेंथ लेके भी तो चल सकते हो, आज मेरे घर में कमी है, अगर मैं आगे मतलब अपनी ओर से पूरी मेहनत करूँ और आगे सक्सेस, मतलब सक्सेसफुल हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो इस खराब हालत है जो घर की वो सुधार सको, तो इस चीज़ को एज ए मोटिवेशन भी तो ले सकते हैं। वो बच्चे पर डिपेंड करता है क्या सोचता है। बिल्कुल, देखा तो आज पूरा हरियाणा में सबसे गरीब परिवार की है जो सुमिति है, जो इस बहन का जो नीट का पेपर क्वालिफाई हुआ है और बहुत से लोग शुभकामनाएं देने के लिए, तो आपको कैसा फील हुआ? जो अच्छा ही लगता है कि इतने, मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे और वो जो भी हेल्प कर रहे हैं उन सभी को थैंक यू। देखो आज से पहले कोई नहीं आया, चाहे गरीब हो चाहे किसी हालात हो, लेकिन जब कुछ कर रहा है तभी कोई आवा है। तो ये बात तो है सर, अगर कुछ करोगे तभी दिखोगे,
और ना पढ़ने वाले तो और भी बहुत पढ़ते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप अपने ओर से पूरे एफर्ट्स लगाओ तो अपने आप आपकी पहचान बनेगी। तो मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ सर, बिल्कुल अनपढ़। तो आज है घर पे पापा है सर और मम्मी खेत में गए, धान लगाने, मतलब दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। हां, धान लगाने गए। तो आज भी दिहाड़ी मजदूरी पे, यानी विधायक जी भी पहुंच रहे हैं। उनको पता था विधायक जी आएंगे? ये तो नहीं पता था कि विधायक जी आएंगे। वैसे मतलब ये तो था कि आएंगे, मतलब आते रहते हैं, फिर वही सर गांव वालों का काम करे बिना थोड़ी सर सर काम करना पड़ेगा। तो अपने परिवार में और कौन कौन है? सर मेरे मतलब 10 सिस्टर है और 3 जैसे उनकी शादी हो चुकी है और एक अभी मार्च में एक्सपायर हो गए थे, और 7 सिस्टर है जो पढ़ते लिखते हैं। मतलब सभी पढ़े साथ के साथ? हाँ हाँ। तो एक गोल्ड मेडलिस्ट है हिंदी में आप, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रेखा सर। तो आपने कब की थी एमए? मेरी 2021 पास आउट है सर। कहाँ से करी थी? SD कॉलेज नरवाना से। नरवाना से, हाँ जी सर। और एचटेट भी आपका? एचटेट सीटेट दोनों क्वालिफाइड है सर। और जो बड़ी बहन है वो भी पढ़ी लिखी है? हाँ जी सर, दोनों तीनों पढ़ी लिखी है। एक ने JBT की, एक प्लस टू पास है और एक 9th पास थी बड़े वाले। और उनमें कोई सर्विस भी है? वो प्राइवेट करती थी जो एक्सपायर हो गए, बाकी वो घर पे ही हाउस वाइफ। क्योंकि आजकल देखा जाओ तो 2 बच्चे पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन 10 लड़के और मम्मी पापा जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं वो? ये सर हमने भी माँ पापा को कभी निराश नहीं किया भाई, हमने उनको निराश नहीं किया, तो बस उनको यही था भाई पढ़ के कुछ बन के दिखाओ। तो उन्होंने कभी हमें ये नहीं भाई फोकस किया, फोर्स किया भाई और बच्चे जैसे दिहाड़ी मजदूरी पर जावा है, मम्मी पापा लेके भी जावा है। और गरीब परिवार है, ऐसे काम चलता हमारा, सभी गरीब परिवारों का भाई, सभी मेंबर काम करेंगे तभी जाके काम चलता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा खुद अनपढ़ होते, वो उन्होंने हम सभी बहनों पर मतलब पूरी अपनी कमाई हम पे ही लगाई सर। देखो कई बार देखा जाओ कि लड़कियां का काम का भी लालच कर ले हैं, तो काम कुम का लालच करिया कभी परिवार में? नहीं सर, लेकिन ये है हमारे मम्मी पापा ने छुट्टी में, ऐसा नहीं है कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं आता, हर फील्ड में निकाला हुआ है, हम खेत का भी कर सकते हैं, घर का भी कर सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई में गेम में मतलब हर फील्ड में जा सकते हैं। ये निकल अगर जॉब ना मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब इतना है कि हम अपना स्टैंड कर सकते हैं सोसाइटी में कुछ भी, मतलब प्राइवेट करो या गवर्नमेंट लगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो गवर्नमेंट भी लग जाएगी। अभी स्मृति का नीट क्वालिफाइड हुआ है तो आगे छोटी है और भी ज़्यादा मेहनत करेगी, जैसे फैमिली में ही कंपटीशन चला हुआ हमारे, तो मतलब आपस में मतलब आपने रिकॉर्ड बनाया तो इसने तोड़ना, इन्हें बनाया इन्हें तोड़ना। अभी जैसे मेरे 92 थे 10th में, तो हमारा ये था भाई कौन 92 से अब हो जाएगा, सबसे पहले भाई के 88 थे मौसी वाले के, तो उसने ये था भी कौन मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो उसका मैंने तोड़ा। अब मेरा अभी ये छोटी वाली ने तोड़ दिया 95 आई इसके, अभी इसका ये है ये छोटे इसका तोड़ेंगे। हाँ जी सर, तो अच्छा रिकॉर्ड है। कितने गुड़े आपके नंबर? 95। कौन स्कूल में पढ़ा करते? गवर्नमेंट स्कूल में सर। गवर्नमेंट स्कूल में, अच्छा इससे छोटी कौन सी है? तो आप तोड़ोगे इसका रिकॉर्ड? यस सर। अपना रिकॉर्ड बनाओगे? यस सर। तो बहुत अच्छा। तो आपने आगे जब MA की है तो उसके आगे आपने क्या किया फिर? MA के बाद मैंने सर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, उसके साथ फिर मैंने एसटेट सीटेट दी दोनों, अभी फर्स्ट टाइम पे क्वालिफाइड हो गया मेरा MA हिंदी का, एसटेट और सीटेट भी दोनों PRT और TGT लेवल के दोनों क्वालिफाइड। अब मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ सर। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका, यू भी हुआ है। तो गुड़िया आप कौन सी क्लास में अभी? 9th क्लास में। 9th में? यस सर। तो आपका क्या लक्ष्य है? खेलो गेम में भी, खेलो भी आप? यस सर। कौन सा गेम करो? वुशु। अच्छा, तो पढ़ाई में आगे किस साइड में आप जाना चाहोगे? मेडिकल। मेडिकल में क्या बनने का लक्ष्य है? डॉक्टर। डॉक्टर? यस सर। अच्छा, MBBS ही बनना है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो गुड़िया आप कौन सी क्लास? बीए सेकंड ईयर। बीए सेकंड में? कहाँ पे? JJK यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस से कर रहे हैं। तो गुड़िया आप भी आगे मतलब MA आगे तक जाओगे? यस सर, कोशिश तो यही चल रही है। रिकॉर्ड तोड़ोगे? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो आप कौन सी में गुड़िया? सर मैंने BA की है और अभी फिलहाल मैं टीचिंग वाले पेपर की तैयारी कर रही हूँ। कंपटीशन? यस सर। आप गुड़िया? सर मेरा नाम प्रियंका है सर, और मैं नेशनल प्लेयर हूँ सर, हैंडबॉल खेलती हूँ, अभी प्लस टू की है मैंने। तो गेम कहाँ पे हुए थे अभी पीछे? दिल्ली में हुए थे सर। अच्छा, कोई पदक मिले आपने? हाँ जी सर, हमारी टीम के 3rd पोजीशन आई थी सर अभी। थर्ड पोजीशन? हाँ जी। तो गेम में चल रही लगातार है? हाँ जी सर। चलो ठीक है। तो ये देखो भाई, ये परिवार है और अभी 7 8 बेबे बैठी हैं,
अच्छा एक मौसी की है, तो सात बहने बैठी हैं और गरीब परिवार है। इन्होंने अपने माँ बाप की मेहनत देखी कि दिहाड़ी मजदूरी कर कर हमने पढ़ाने लग रहे हैं, तो इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने भी मेहनत किया, जैसे माँ बाप ने मेहनत करी थी उसी प्रकार इन्हें मेहनत करी है और आज पूरा हरियाणा में स्टेटस भी लाओ है और देखने भी आओ कि उस परिवार का सीखो। क्योंकि आज का टाइम में देखा जाए कुछ बच्चे हैं जो ये बहाना मारे कि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मेरा घर का जुगाड़ना, मेरा फीस नहीं थी, यह सब बहाने हो। अगर इस परिवार ने देखा तो अगर जुनून है तो सब कुछ मिलेगा अपने। अगर आप अच्छा करोगे तो कोई आपके सहयोग में भी आवेगा, अगर आप अच्छा करने की कोशिश करोगे तो ये परिवार आपने देखा, ये मोटिवेशनल है, आप इस तक कुछ सीख सको हो। क्योंकि इन तक मिलकर बहुत अच्छा लग गया, जो बच्चे निराश हो जी हैं वो भी इन तक कुछ सीखने मिल सका है। और उन माँ बाप ने सल्यूट है भाई जिन्हें इतनी गरीबी में रह कर भी अपने बच्चे पढ़ाई। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि एक बेशक आधी रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चे ने जरूर पढ़ाओ, तो उन माँ बाप ने सल्यूट है जिन्होंने इस पर काम किया और अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो आज ये बेटी सारी की सारी ही रही हैं अपने अपने फील्ड में, खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर फील्ड में जो आगे हैं। तो इस तरह से जो भी बच्चे हैं तो इन्हें देख कर मेहनत करो भाई, और इस वीडियो ने आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इनके ऊपर जो आपने राय देनी है, अच्छी राय देनी है, अपने कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में, वंदे मातरम।